देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पंजाब में आप विधायक, ड्राइवर, मैकेनिक, कई ने विधानसभा ही नहीं देखी। हरियाणा के मंत्री का तंज आपका पलटवार। सुशील मोदी बोले, यूरोपीय संघ की तर्ज पर बने भारतीय महासंघ, शामिल हो पाकिस्तान समेत पड़ोसी देश। केंद्र का अहम फैसला, मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा आतंकी करार, नोटिफिकेशन किया गया जारी। राजनीतिक और आर्थिक बदहाली के शिकार हुए भारत के 3 पड़ोसी देश, डॉलर के मुकाबले इनकी करेंसी भी कमजोर। दिल्ली में तेलंगाना नेताओं का धरना, केंद्र की धान खरीद पर नीति का करेंगे विरोध। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, देश की निजी कंपनियों से हथियारों की खरीद के लिए निर्धारित किया जाए 25% बजट। INS विक्रांत स्क्रैपिंग मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया की मुश्किलें बढ़ी, पुलिस ने किया तलब। याचिका में झूठे तथ्य पेश करने वालों पर केंद्र ने की कार्रवाई की मांग। 2009 के दंतेवाड़ नरसंहार मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। शरद पवार के घर पर राज्य परिवहन कर्मचारियों ने बोला हमला, पथराव के साथ जमकर हुई नारेबाजी, एनसीपी प्रमुख ने कही बात। योजनाओं में दिए गए 18 लाख करोड़ से अधिक कर्ज खोले गए, 34.42 करोड़ लाभार्थियों के लोन खाते। जजों में बदनाम करती है सरकार, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, सुनवाई के दौरान बोले CJ NV रमणा। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर, अनंतनाग में लश्कर कमांडर हुए। अमित शाह बोले हिंदी बने अंग्रेजी का विकल्प, कांग्रेस ने लगाए सांस्कृतिक आतंकवाद पर रोक। सीएम योगी के दफ्तर का ट्विटर हैंडल हुआ है केक के बाद एक की गई ट्वीट। जम्मू कश्मीर से जुड़े कई नेता आप में हुए शामिल, सिसोदिया बोले लिखेंगे तरक्की का इतिहास। युवती ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के इलाके का मामला। अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला आया सामने, पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने दोनों को कोर्ट से पकड़ा, महापौर और अन्य भाजपाई पहुंचे। खुलासा, बैंक कर्मियों और गोदरेज लॉकर कर्मचारी की मदद से फ्रॉड को दिया गया अंजाम, सामान गायब होने की घटनाओं से शहर में मची सनसनी। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पति के साथ दुष्कर्म, परिजनों की न्याय की मांग। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर दर्ज किया मुकदमा। बिजनौर में एमएलसी चुनाव की वोटिंग, एमपी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। चंदौली में युवती ने ट्विटर पर पुलिस से मांगी मदद, मंचलों की ट्वीट कर शिकायत, पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार। मथुरा में भाई भाई में चले लाठी डंडे, जमीनी बंटवारे को लेकर हुआ विवाद, स्थानीय नागरिकों की सहायता से लड़ाई को कराया शांत। लापता युवक की हुई हत्या, युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या, जांच में जुटी फुलबेहड़ पुलिस। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, सुपारी किलर के पैर में लगी गोली, आरोपी के दो अन्य साथी फरार। रामगोपाल ने वोटिंग पर सवाल उठाया तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा सही प्रक्रिया से हो रहा है मतदान। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले चार दशक बाद विधान परिषद में भी होगा सत्ताधारी पार्टी का प्रचंड बहुमत। साथ मनाया जाएगा रामनवमी का पर्व, अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। अयोध्या पर योगी आदित्यनाथ सरकार का विशेष फोकस, बनेगा रबाड़ विश्वविद्यालय और तैनात होगी विशेष सुरक्षा बल। दस्तावेजों की मदद से बने थे पासपोर्ट, वेरिफिकेशन में हुआ खुलासा, अफसर को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। देश भर में व्यापारियों ने लगाई ऑनलाइन बोली, अब तक चलेगा किसकी बोली अधिक। फतेहपुर कानपुर के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने किया मतदान, सफाई में रामगोपाल और शिवपाल ने भी डाला वोट। धोबी घाट आरओबी का दूसरा गर्डर अपनी जगह पर पहुंचा, आवाजाही की उल्टी गिनती शुरू। और मांग बढ़ने पर 12 लाख तक की आय उरई की विनीता ने 200 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। कष्ट के बजाय पीआरवी कर्मी कर रहे थे उगाही, दो हेड कांस्टेबल और सिपाही निलंबित। लखनऊ समेत सभी जिलों में शांतिपूर्ण मतदान, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारियां हुई शुरू। लखनऊ में बर्थडे पार्टी में अंधाधुन हवाई फायरिंग का वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल, मुकदमा हुआ दर्ज, अखिलेश यादव बोले अपराध में डूबा है यूपी। अंबेडकर नगर में हिस्ट्री शीटर ने ग्रामीणों को पीट पीट कर मार डाला, मुकदमा किया गया दर्ज। हरदोई में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, युवती के भाई ने रंगे हाथ पकड़ा और फिर जमकर हुई धुनाई।
यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार। सिद्धार्थनगर के क्लिनिक में झाड़ू पोछा लगाने वाले का आरोप, डॉक्टर ने जबरन करा दिया धर्म परिवर्तन। शाहजहांपुर में 25 साल पहले जहरीला आटा खाने से 14 लोगों की हुई थी मौत, दो दोषियों को उम्र कैद। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शन को देखा भड़के सीएम, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मेरठ में तापमान ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड, अप्रैल में मई की तरह झुलसा देने वाली गर्मी ने किया बेहाल। रुड़की के हरिद्वार से रिश्तेदार की अस्थि विसर्जित कर लौट रहा था घर, हुआ हादसे का शिकार। हरिद्वार में सामने आया हैरान कर देने वाला वाक्या, अंतिम संस्कार से पहले चलने लगी युवक की सांस। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर में तोड़फोड़, चोरी का भी संदेह जताया स्थानीय लोगों में आक्रोश। फल सब्जियों की कीमतों में 1.5 गुना उछाल, आगे भी दाम स्थिर होने के आसार नहीं। बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, इस साल के अंत तक 5300 खाली पदों के लिए होंगी 20 लिखित परीक्षाएं। उत्तराखंड की जनता पर महंगाई की एक और मार, रोडवेज बस में सफर करना हुआ महंगा, लेकिन पर्वतीय इलाकों में नहीं बढ़ा किराया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट, कहा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी हर संभव मदद। प्रतिपक्ष के चयन से हो रहा देरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए अभी करना पड़ सकता है इंतजार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक बयान ने बढ़ाई राजनीतिक गलियारों में हलचल, अब सबकी नजरें विधानसभा सीट पर। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल, आम जनता के लिए लॉन्च किया 1064 वेब ऐप। उत्तराखंड कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर आई सामने, कांग्रेस सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने बताया कि पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक भागदौड़ के जीवन से दूर आत्मचिंतन करना है, केदारनाथ स्थित मेडिटेशन केव में चले आए। केदारनाथ की जिस गुफा में पीएम मोदी ने लगाया था ध्यान, उसका किराया हुआ 2 गुना, मई जून की बुकिंग फुल। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को मिलेगा अमरनाथ यात्रा की पूरी डिटेल, कराए पंजीकरण और स्वास्थ्य परीक्षण। डायल 112 में कोई मजाक तो कोई कर रहा है अपमानजनक बातें, पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर कस रहा है शिकंजा। सरकार चाहता है विदेशी साजिश पर बहस, विपक्ष चाहता है अविश्वास प्रस्ताव का वेटिंग।
इमरान खान पर मरियम ने कसा तंज, कहा हाथ से जाती सत्ता को देख खराब हो गया है दिमाग। छब्बीस ग्यारह के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 32 साल की सजा, अदालत ने 3.440 रुपए की जुर्माना। शंघाई में सख्त लॉकडाउन से लोगों में गुस्सा, खान पानी की कमी, घरों में कैद हुए करोड़ों लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने यूक्रेन की सरकार पर शुरू किया साइबर हमला। दुनिया भर में धाक जमाने आ रही बनारसी पश्मीना, पहली बार कश्मीर से बाहर हुआ निर्माण। झांसी के युवाओं ने किया अनोखा शोध, अब आपको आंवले में मिलेगा संतरे का स्वाद। पीएम मुद्रा योजना से दिया गया कुल 18.60 लाख करोड़ रुपए का लोन, खोले गए 34.42 करोड़ ऋण। इकतीस ट्रेनों में कंबल और बिस्तर सेवाएं फिर से शुरू, कोरोना के कारण लगाई थी रोक। हाई कोर्ट में सेंध लगाने की पूरी कोशिश, पीएम मुद्रा योजना से दिया गया कुल 18.60 लाख करोड़ रुपए का लोन, खोले गए 34.42 करोड़ ऋण खाते। इकतीस ट्रेनों में कंबल और बिस्तर सेवाएं फिर से शुरू, कोरोना के कारण लगाई गई थी रोक। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आई। सेबी ने नॉन जेन्युइन ट्रेंड्स को लेकर 7 एंटिटीज पर चलाया हंटर, 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लगातार तीसरे दिन राहत, आज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। गर्मी के साथ बढ़ा सब्जियों का तापमान, नींबू और गोभी के दाम हुए 300 पार। रेपो रेट 4% पर रहेगी बरकरार, महंगाई पसारेगी पैर। लाख रोजगार के लिए दिल्ली में बाजारों का विकास, शॉपिंग फेस्टिवल, फूड हब, स्टार्टअप और नई फिल्म पॉलिसी। वित्त वर्ष 22 में कर संग्रह 27 लाख करोड़ रुपए के पार, प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% का उछाल, अप्रत्यक्ष संग्रह में 20% की तेजी। गैर परिचालन वाले कोयला खदानों को वापस करने के लिए पीयूष को मिलेगा वन टाइम विंडो। अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर तेवतिया ने गुजरात को दिलाई शानदार जीत। ट्रोल हुए कप्तान मयंक अग्रवाल, क्रिकेट फैंस हुए गुस्से से लाल।
आईपीएल के बीच में ही बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, विदेश में टी20 खेलेगी टीम इंडिया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ ओडियन स्मिथ की एक भी यॉर्कर नहीं देखकर जाफर हैरान। मुंबई इंडियंस 3 मैच हारने के बाद अब जीत की तलाश में। ओडिन स्मिथ की स्ट्रेटजी भाप गए थे तेवतिया मैच के बाद, बताई पूरी बात। राहुल तेवतिया ने दोहराया 2020 का करिश्माई प्रदर्शन, 5 छक्के जड़कर भी टीम को दिला चुके हैं जीत। तेवतिया के छक्के पर खुशी से झूम उठी नताशा, तो हार्दिक ने दिया रिएक्शन। महेंद्र सिंह धोनी और ड्वेन ब्रावो के स्पेशल लिस्ट में शामिल हुए राहुल तेवतिया, अब अपने नाम किया खास रिकॉर्ड। दो बॉल में चाहिए थे 12 रन, राहुल तेवतिया ने गुजरात को जिलाई हारती हुई बाजी। कपिल शर्मा ने शेयर किया बर्थडे पार्टी का अनसीन वीडियो, बेटी अनायरा की क्यूटनेस से आपको मिले प्यार। शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर है, मैं अंगूरी भाभी बनने से पहले मेकर्स के सामने रखी थी डिमांड। ग्यारह साल की उम्र से रणबीर को चाहती थी आलिया भट्ट, पहली बार देखते ही हो गई थी उन पर फिदा। सुपरस्टार सिंगर 2 में फिर से साथ दिखेंगे अलका याग्निक, जावेद अली और हिमेश रेशमिया। रणबीर आलिया भट्ट की शादी पर बोली नीतू कपूर, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सोनम कपूर आनंद आहूजा के घर हुई करोड़ों की चोरी, ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ के कर गए चोट। अनुपम खेर ने ऊंचाई के सेट से को स्टार के साथ साझा की सेल्फी, परिणीति चोपड़ा ने किया कमेंट। शाहरुख खान ने जताया पठान में क्रू मेंबर का आभार, साझा किया प्यार भरा नोट। कंगना रनौत के शो में करीब आ रहे हैं दो दल, कंटेस्टेंट ने मुनव्वर फारूकी को कहा आई लव यू। शुरू हो गया कौन बनेगा करोड़पति का 14 का रजिस्ट्रेशन, जल्द करें अप्लाई। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।